أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. شروع الله کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر داروگیر فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عن قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے. آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عن قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو جماعتوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے. یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کہیں حصے زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا. اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں. سو بلا شک اس میں بڑی عبرت ہے عقل و دانش والوں کے لیے. خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے، سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے، گھوڑے ہوئے یا دوسرے مواشی ہوئے، اور زراعت ہوئی. لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں، دنیاوی زندگانی کی اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10، 11، 12، 13 اور 14 ہے.
कल फूल शाह की मस्जिद में जो तफसीर हुई है वो आयत नंबर 7, 8 और 9 की हुई है। इसमें नजरान का एक वफ्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था ईसाइयों का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से सवालात उन्होंने किए। उनका अकीदा तसलीस का है, यानी 3 खुदा को मानते हैं, अल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम। ईसाई तसलीस के कायल हैं, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, वो 3 पर बिलीव करते हैं। तो उसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और वहदानियत के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलाइल पेश फरमाए। इन दलाइल को सुनने के बाद वो सारे के सारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके दलाइल से मुतासिर हुए और वो तौहीद के कायल हुए। फिर उसके बाद क़ुरान करीम की चंद आयात को लेकर के उनका एतराज़ था, जिसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है या कलीमतुल्लाह कहा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 नाजिल फरमाई, जिसमें उनके उन एतराज़ात का जवाब मौजूद है। उन इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल में क़ुरान की जो आयात हैं वो 2 तरह की हैं। अक्सर आयात मुहकम हैं और कुछ मुतशाबे हैं। आयात मुहकम उन आयात को कहा जाता है जो मालूमुल मुराद और मालूमुल माना हो, जिनका माना भी मालूम हो और उनकी मुराद भी मालूम हो, उसमें कोई पेचीदगी ना हो, उसे क्या बोलते हैं, आयात मुहकम बोलते हैं। और कुछ ऐसी आयात हैं जो आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं, वो आयात कि जिनके माना और मुराद सिर्फ अल्लाह को मालूम है, बंदे को नहीं मालूम। जैसे इस्तिवा अलल अर्श, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह अर्श के ऊपर मुस्तवी है। अब अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी हैं, इसका क्या मतलब है, अल्लाह को मालूम, हमको नहीं मालूम है, किसको मालूम है, अल्लाह को मालूम है। इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर ये फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैह, कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे मगर एक बंदे जिनके ऊपर हमने अपना इनाम फरमाया, अपनी नेमतें नाजिल फरमाई। ये आयत मुहकम है, ईसा अलैहिस्सलाम के बंदे होने को बतलाती है, ईसा अलैहिस्सलाम के मखलूक होने को बतलाती है। और दूसरी आयत जो मुतशाबे है उसमें कहा गया है कि ईसा रूहुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं, अल्लाह की रूह हैं। तो अब अल्लाह की रूह जो है, ये आयात आयात मुतशाबे में से आती है, इसका क्या मतलब है, वो ईसाइयों ने पूछा कि क़ुरान में कहा गया है, तो ये आयत आयत मुतशाबिहात में से है, इसका माना अल्लाह को माने। ऐसे ही जिन आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमतुल्लाह कहा गया है, ये आयत आयत मुतशाबिहात में से है और इसका माना अल्लाह को मालूम है। अब हमें क्या करना है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ ये है, हमारा वजीफ़ा ये है, हमारा काम ये है कि क़ुरान करीम में जो आयत मुहकमात हैं, जिनके माना भी मालूम है, जिनकी मुराद भी मालूम है, जिनकी तफसीर भी मालूम है, हमें उनके ऊपर अमल करना है, ईमान लाना है। और जो ऐसी आयात हैं जो मुतशाबिहात में से आती हैं, जिनके माना और मुराद सिर्फ़ अल्लाह को मालूम हैं, तो हमारा काम है उन पर ईमान लाना। हमारा काम क्या है, उन पर ईमान लाना कि अल्लाह की इससे जो भी मुराद है,
अल्लाह की इससे जो भी तौजीह है, अल्लाह ताला इससे जो भी मुराद ले रहे हैं, हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं और उस पर आमन्ना व सद्दकना कहते हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा यालमु तअवीलहु इल्लल्लाह, उसका माना और मतलब अल्लाह को मालूम है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिउना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगा अल्फितना, वो लोग आयत मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं और घंटों अपने ज़ाय करते हैं उसके चक्कर में कि इस्तवा अलल अर्श का क्या मतलब है, अल्लाह का हाथ है तो इससे क्या मुराद है, वजहुल्लाह कुरान में कहा गया तो क्या अल्लाह का चेहरा ऐसा है जैसे हमारा चेहरा है। इन सब चक्करों में पढ़ करके अपने वक्त को ज़ाय नहीं करना चाहिए। बहुत से मसाइल नमाज के हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो तिजारत के हैं, जिनके बग़ैर तिजारत करना, बहुत सी चीज़ें जो हम करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। पहले उन चीज़ों को मालूम करें जो हमारे अमल से जिनका साबका पड़ता है, हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें पेश आती हैं, और ऐसी चीज़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं बतलाई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया है, हम उनके ऊपर ईमान रखें और उनके बारे में बहस करने से हम क्या करें, गुरेज करें। इसीलिए बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम देखो ऐसे लोगों को कि जो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बारे में बहस कर रहे हैं, उनसे दूर भागो, इसलिए कि उनका माना और मतलब सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। और यही वो लोग हैं जिनका तस्किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि वो लोग हैं जिनके दिल के अंदर कजी है, टेढ़ापन है, उनसे अपने आप को दूर रखें। अफसोस का मकाम है कि जिस बात से कुरान में मना किया गया है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, आज धड़ल्ले के साथ हर शख्स कुरान खोल करके, तर्जमा खोल करके मुफ्ती बना बैठा है और मसाइल को बयान कर रहा है। बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से कि जिन्होंने कुरान करीम का मतलब नहीं समझा है और वो कुरान करीम का माना नहीं जानते हैं और सिर्फ उसका तर्जमा देख करके कुरान करीम का मतलब बयान करने लगते हैं। यही वो लोग हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया था तीन ऐसे लोग, तीन ऐसी बातें हैं जिनका मुझे मेरी उम्मत के बारे में खौफ है, डर है, अंदेशा है। उनमें से एक वो भी हैं, वो लोग हैं, वो जमात है कि उनके सामने कुरान खुल जाएगा, यानी कुरान का तर्जमा पढ़ करके पूरे कुरान की तफसीर को हर आमी और जाहिल इंसान बयान करने लगेगा और लोग उनकी पैरवी करने लगेंगे, गुमराह होंगे खुद और लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए कुरान करीम में भी इन लोगों से मना किया गया है, ऐसी लोगों से बचने का हुक्म है और अहादीस के अंदर भी इसकी वाइद आई है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग रासिखीन फिल इल्म हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर ईमान ले आए, हर एक अल्लाह के पास से है और नसीहत नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। फिर इसके बाद एक दुआ बतलाई है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे दिलों को कज न कीजिए, हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए। बाद इसके कि आप हिदायत कर चुके हैं, बाद इसके कि आपने हमको हिदायत दे दिया है। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा कल्ब और दिल नहीं है जो अल्लाह के दो उंगलियों के दरमियान न हो। अल्लाह जब तक चाहता है उसे हिदायत के ऊपर बाकी रखता है और जब चाहता है उसे गुमराह कर देता है। इसलिए अल्लाह से हिदायत पर साबित कदमी की दुआ मांगते रहना चाहिए, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत की दुआ मांगते रहना चाहिए। एक सहाबी मुसलमान हुए और कहा अल्लाह के नबी मुझे कोई बात बतला दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना हो क्योंकि मैं भूल जाऊँगा, दिमाग उतना काम नहीं करता है, देहात का रहने वाला हूँ और फिर जाऊँ पता नहीं आपसे मुलाकात हो कि ना हो।
एक बात छोटी सी बता दीजिए ताकि मैं मौत तक उसके ऊपर अमल करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमंतु बिल्लाह थुम्मा इस्तकिम। इतना छोटा सा जुमला, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे जुमले हैं कि एक एक जुमले के अंदर पूरा समंदर समोए हुए है। एक जुमला, इनको कहा जाता है जवामिउल कलिम। क्या कहा जाता है? जवामिउल कलिम। उलमा ने बाकायदा इस पर किताबें लिखी हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये भी जवामिउल कलिम में से। अगर सिर्फ इसकी तफसीर की जाए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आधे लाइन का जुमला है, एक पूरी किताब भर जाएगी, तफसीर मुकम्मल नहीं होगी। उसी में से ये जुमला भी है। उन सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा कि छोटा सा कोई जुमला और कोई नसीहत फरमा दीजिए, और ऐसी बात हो कि मैं भूल ना जाऊं और मौत तक उस पर अमल पैरा रहूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल आमंतु बिल्लाह थुम्मा इस्तकिम। कह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आमंतु बिल्लाह थुम्मा इस्तकिम, फिर उसके ऊपर जम जा, साबित कदम रहे। कब तक? मौत तक। अब कुरान में देखें अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, दुआ इरशाद फरमा रहे हैं अपने बंदों को कि मेरे बंदों, अपनी दुआओं के अंदर ये दुआ मांगा करो, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुंका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को टेढ़ा न कीजिए, राह हक से न फेरिए, बाद इसके कि आप हमको हिदायत दे चुके हैं। ये दुआ अल्लाह से मांगना है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दुआएं मनकूल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पर साबित कदमी की दुआ मांगा करते थे। चुनांचे एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मनकूल है, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, ऐ दिलों को उलट फेर करने वाले, हमारे कुलूब को, हमारे दिलों को दीन के ऊपर जमा दीजिए, साबित कदमी अता फरमा दीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दौर जो चल रहा है, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े औलिया अल्लाह की पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं और उनकी आरा हैं, और उनका कहना है कि ये दौर जो चल रहा है, ये छटाई का दौर चल रहा है। किसका दौर चल रहा है? छटाई का दौर चल रहा है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था कि एक वो दौर आएगा कि एक इंसान सुबह मुसलमान होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा और सुबह काफिर होगा, वो हदीस इस दौर पर सादिक आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर मुसलमान नज़र आ रहे हैं लेकिन उनका ईमान रुखसत हो चुका है, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि देखने में तो काफिर नज़र आ रहे हैं लेकिन बबातिन ईमान वाले, कि वो दौर चल रहा है। इसलिए हर नमाज के बाद, नमाज के अलावा भी खलवत के अंदर अल्लाह से मांगने के लिए वक्त निकालिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा, और हमें ईमान पर साबित कदमी आता फरमा, और मौत तक ऐ अल्लाह तू हमें ईमान पर साबित कदम रख। ये वो दौर चल रहा है। अगर हमने इस वक्त अपनी और अपने बाल बच्चों की फ़िक्र और हिफाजत न की तो बहुत अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जो इर्तिदाद की लहर चल रही है, ये दहरियत का जो फितना चल रहा है, यह हमारे घरों के अंदर जो सरायत कर चुका है, यह दिलों के अंदर भी घुस जाएगा और ईमान को जला करके खाक कर देगा। 2023 का जो साल आने वाला है, इसके बारे में भी पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं, बड़ा इनकलाबी साल आने वाला है।
اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس لیے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو یہ دعا پڑھ لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللہ رب العزت اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں گے ہر نماز کے بعد۔ کتنی چھوٹی دعا ہے، یاد کر لیں اس کو، اپنی نمازوں کے اندر اس کو معمول بنا لیں پڑھنے کا۔ 1 کروڑ بھی آپ دیں نا تو اس دعا کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں فری میں آپ کو مل رہی ہیں اس کی قدر و قیمت جانیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ پوری دنیا بھی آپ لا کر کے رکھ دیں، اس آیت کا بدل نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے ایک حرف کا بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں قرآن کی قدر اور اس کی اہمیت کو پیدا کرو، اور دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالو۔ آگے آیت آ رہی ہے، اس کے آگے اللہ نے ایک دعا اور ارشاد فرمائی ہے، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت ان کافروں سے مخاطب ہیں کہ جو دنیا کے چکر میں پڑ کر، مال کے چکر میں پڑ کر، اولاد کے چکر میں پڑ کر اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس آل اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ مال کام آوے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گی، نہ تمہاری آل اولاد کام آئے گی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بالیقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے آپ کو بچا لیں، آپ مال دے کر کے، رشوت دے کر کے چھوٹ جائیں، یا آپ کی آل اولاد ہے وہ اللہ سے آپ کو بچا لے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ رب العزت جب جہنم کو دہکائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے کہ جو دنیا میں پڑھ کر کے اللہ سے غافل ہو گئے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہے، جیسا کہ فرعون والوں کا معاملہ تھا، کہ فرعون ایسا تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں کئی کئی اونٹوں کے اوپر لد کر کے آیا کرتی تھیں، لاکھوں ٹن سونے کا اور چاندی کا اور ہیرے اور جواہرات کا وہ مالک تھا۔ لیکن کیا ہوا، اللہ نے جب دریائے نیل میں غرق کیا ہے، جب پانی اس کے منہ میں گھس گیا ہے اور ڈوبنے لگا ہے، تو ایسے موقع پر فرعون کہتا ہے، بڑا لمبا چوڑا ایمان لاتا ہے، بڑا لمبا ایمان، بڑا لمبا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ فرعون کا کلمہ جانتے ہیں کیا تھا، قرآن نے نقل کیا ہے، زندگی میں موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹا سا کلمہ پڑھایا، کیا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، بس پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، انا ربکم الاعلا، میں کیا ہوں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قرآن اس کا ذکر کرتا، وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، میخوں کا مطلب سمجھتے ہیں، موٹے موٹے کیلوں والا تھا، جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا، اس کو لٹا کر کے اس کے ایک ہاتھ میں اور ہاتھوں میں اور پیروں میں بڑے بڑے کیلوں کو، بڑے بڑے میخوں کو ٹھکوا دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جو ان کی اس کی بیوی تھیں حضرت آسیہ، حضرت آسیہ جو قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، وَامْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، جب کوئی انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، اللہ فرعون کی بیوی بنا کر کے بھی اسے ایمان والی بناتے ہیں اور ایسا کامل ایمان عطا فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے۔ رہتی دنیا تک کے لیے، وامرأت فرعون، جو انسان پڑھے گا اللہ اسے ہر ہر حرف کے بدلے 10-10 نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب آپ سوچ لیں،
فرعون اللہ کا باغی ہے، خدائیت کا دعویٰ کرتا ہے، انانیت کا دعویٰ کرتا ہے، مطلق العلانی کا اعلان کرتا ہے، لیکن ان کی بیوی جو ایمان والی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے ان کا نام قرآن میں ذکر نہیں کیا. آپ سوچ لیں اتنی پردے والی، لیکن اب کیسے ذکر کرتی؟ تو فرعون کی بیوی کا کیا کہا؟ وَامْرَأَتُ فرعون. اب قرآن میں ان کی بیوی کی وجہ سے فرعون کا بھی ذکر آیا، اور پھر اب جو انسان قرآن کے اندر وَامْرَأَتُ فرعون پڑھے گا، فرعون میں کتنے حروف ہیں؟ فا را عین واو نون. ہر حرف کے بدلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا بالقرآن، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملتی ہے. فرعون میں 5 حرف ہیں، جس نے قرآن میں فرعون کا حرف پڑھا ہے تو اس کے بدلے بھی کتنی نیکی؟ 50 نیکیاں. اندازہ کر سکتے ہیں؟ اور جسے قرآن پر عمل نہیں کرنا، جسے دین پر عمل نہیں کرنا، جس کو ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ شخص فرعون کا تو محل چھوڑ دیجئے، اپنے گھر کے اندر رہے گا، گھر کا حاکم بھی ہے، لیکن کیا کہے گا؟ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ٹھنڈی میں فجر کی نماز پڑھنا، وضو بنانا، بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے آج کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ کی پناہ. اب تو بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے آ چکے ہیں، بغیر جھوٹ کے تو اب تجارت نہیں کر سکتے، یہ جملے کفریہ جملہ بولتے ہیں، بغیر جھوٹ کے تجارت نہیں کر سکتے. اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور اللہ اتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ برکتیں تم جھوٹ بول کر کے کروڑوں کما لو، وہ ہر برکت نہیں مل سکتی تم. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو امین تاجر ہوتا ہے، امانت دار تاجر ہوتا ہے، سچا تاجر ہوتا ہے، کل قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. حضرت آسیہ ان کا نام تھا. فرعون کو جب معلوم چلا کہ یہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہیں، میری بیوی اور مجھی سے میاؤں، میری بلی اور مجھی سے میاؤں، بہت غصہ ہوا، اور ان کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں اس نے میخیں ٹھکوا دی، کیلیں ٹھکوا دی، اور ان کو شہید کر دیا. یہ فرعون تھا. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، جو ملکوں کے اندر سرکشی کرتا پھرتا تھا، انانی کا دعویٰ کرتا تھا. فاکثروا فیہا الفساد، اس نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تیرے رب کا کوڑا پڑا اس کے اوپر اور اس کو غرق کر دیا. اور جب ڈوبنے لگا تو کیا پڑھتا ہے؟ پہلے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اتنا چھوٹا سا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور جب دیکھا کہ اب تو جا رہے ہیں تب کیا پڑھتا ہے؟ قرآن کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اتنا بڑا کلمہ پڑھ رہا ہے کون؟ فرعون. کیا کہتا ہے؟ آمنت، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن مسئلہ سن لیں، غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے. جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں اور موت کو انسان آتا ہوا دیکھے، تب کہے کہ ارے اللہ تعالیٰ اب تو سب گناہوں سے توبہ، آج سے نم صوفی، تب کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کرنے کا. ارے اللہ نے اتنی چانسز آپ کو دی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اب تو 100 سے تجاوز، 110، 120، ایک مرتبہ بھی اللہ کا خیال نہیں آیا. اب جب فرشتے کو دیکھتا ہے، موت کو دیکھ لیا ہے، اور اب جا کر کے ایمان کو قبول کرتا ہے، نہیں، دھسا دیا گیا. اور پھر اللہ نے اس کی لاش کو
और उसकी लाश को अल्लाह ने इबरत बनाया, उसको महफूज रखा। क्यों? ताकि क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए अल्लाह उसे इबरत बनाए। लेकिन आज अफसोस की बात है कि अल्लाह ने जिसे इबरत के लिए बाकी रखा था, आज लोगों ने उसे देखने का और नुमाइश का ज़रिया बना लिया है। ऐसी जगहों पर जा कर के भी वो उससे सबक नहीं लेते और अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं, वो काफिर जो अपने माल व दौलत पर इतरा रहे हैं, अपनी आल व औलाद पर इतरा रहे हैं, अल्लाह के मुकाबले में कुछ काम आने वाला नहीं है। और इनकी हालत वो फिरौन के फिरौन वालों की तरह है। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले वाले जो काफिर गुजरे हैं, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, जिसने जन्नत बनवाई थी, उन लोगों की तरह है कि उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया। कज़्ज़बू बिआयातिना, उन्होंने हमारी आयतों को झूठा बतलाया। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने रसूल भेजे, और उन्होंने मौजज़ात से अल्लाह की वहदानियत को साबित किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? तुम झूठे हो, तुम साहिर हो, तुम जादूगर हो, तुम काहिन हो, तुम मजनून हो। क्या नहीं कहा गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शायर कहा गया, मजनू कहा गया, काहिन कहा गया, जादूगर कहा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आयतों को झुठलाया। फअखदहुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उस पर अल्लाह ताला ने उन पर दारोगीर फरमाई, अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई। बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह ने फिरौन की पकड़ फरमाई, उसे दरिया में गर्क कर दिया। अल्लाह ने शद्दाद की पकड़ फरमाई, अल्लाह ने उसे ज़मीन के अंदर धंसा दिया। ये अल्लाह की पकड़ थी। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाले हैं। इसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईमान वालो, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, आप उन काफिरों से फरमा दीजिए, कुफ्र करने वालों से फरमा दीजिए। सतुगलबून, अभी तो तुम बहुत उछल रहे हो, अभी बहुत कूद रहे हो। अन करीब वक्त आने वाला है कि तुम मुसलमानों के हाथ से मغلوب किए जाओगे, तुम मुसलमानों के हाथ से मغلوب किए जाओगे, तुम्हारी शिकस्त होगी और मुसलमानों की फतह होगी। वतुहशरून इला जहन्नम, और आखिरत में जहन्नम की तरफ जमा करके लाए जाओगे। अब कोई ये कहे कि अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं काफिर मغلوب होंगे और मुसलमानों को फतह होगी, लेकिन आज मुआमला इसके बरक्स चल रहा है। हम जहां देखें वहां पर तो कुफार फतहमंद हैं, जीत रहे हैं, आयशो इशरत के अंदर हैं, और हम मगलूब हैं। तो ये आयत गलत है? नऊज़ु बिल्लाह, नहीं। तो इसमें जो कहा गया है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हर ज़माने के काफिर नहीं हैं, बल्कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी उस वक्त के कुफार और यहूद व नसारा मुराद हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात की है और अल्लाह के अहकाम पर और दीन के ऊपर खड़े उतरे हैं, साबित कदमी अल्लाह ने अता फरमाई है और अल्लाह ने कुफ्र की शिकस्त अता फरमाई है, अल्लाह ने इस्लाम की फतह अता फरमाई है। वबिसल मिहाद, और जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मिसाल पेश फरमाते हैं। قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا, ये आयत जो नाजिल हुई थी इससे पहले कि वो गज़वा बद्र के बाद की है। गज़वा बद्र इस्लाम का सबसे पहला मारेका पेश आया है। सबसे पहला गज़वा इस्लाम का कौन है? गज़वा बद्र है, जिसमें 313 सहाबे किराम हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ हैं, और सहाबा के पास कुल 2 घोड़े। कितने घोड़े हैं? 2 घोड़े हैं और 8 तलवारें हैं। आप सोच लें, और 6 जिरहें हैं। जिरह जानते हैं? जो लोहे का कपड़ा होता है, जो पहना जाता है ताकि दुश्मन तलवार से वार करे तो जिस्म के ऊपर ना लगे। गज़वा बद्र में कितनी जिरहें थी? सिर्फ 6, और 8 तलवारें कुल थी, सिर्फ 8 तलवारें और 2 घोड़े। और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, बस साधो सामान के साथ। ज़ीरा तो छोड़िए, ऊपर लोहे की टोपी लगाए हुए,
और दहाड़ते हुए है कि हमसे अब कोई बचने वाला। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ 313 की जमात है, एक तरफ 1000 से ज़्यादा की जमात है, और इनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं और उनके पास घोड़े ही घोड़े हैं, इनके पास सिर्फ 8 तलवारें हैं और उनके में हर एक के पास तलवार है। क्या मुकाबला था? कोई मुकाबला था? अरे मुकाबला कम से कम टक्कर का होता है, या कम से कम इतना भी एक के मुकाबले में 2 हो तो भी समझ में आता है, या कोई हथियार रहे। लेकिन ईमान का हथियार था। क्या था सहाबा के पास? अल्लाह के ऊपर ईमान था, ईमान कामिल अल्लाह के ऊपर था। और जब ईमान कामिल होता है फिर अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। क्या हुआ? अल्लाह फरमाते हैं قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ, अभी ऊपर फरमाया ना कि अनकरीब तुम गालिब आओगे और कुफार मغلوب होंगे। अब उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अभी तुमने देखा ग़ज़वा बद्र में क्या हुआ। قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا, इन दो जमातों के अंदर जो आपस में एक दूसरे के मुकाबिल हुई और जिनकी लड़ाई हुई, आपस में एक दूसरे से मिली हैं। फ़ियातुन तुकातिल फ़ी सबीलिल्लाह, दोनों में फ़र्क ये था कि एक वो जमात है जो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करती है, वअख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम, और दूसरी वो जमात है जो काफिर की है, काफिर लोगों की जमात है, और वो देख रहे हैं उन मुसलमानों से कई हिस्से ज़्यादा खुली आँखों। क्या मतलब? इसका मतलब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हर एक को अपने मद्दे मुकाबिल की जो जमात थी वो दुगनी नज़र आ रही थी। सहाबा को भी इधर से कुफार दोगुने नज़र आ रहे थे, और कुफार को सहाबा की जमात दोगुनी नज़र आ रही थी। लेकिन फ़र्क ये था कि जब कुफार सहाबा को देखते बड़ी तादाद में तो उनके दिल के अंदर तो ईमान था नहीं, उनके दिल में तो माल की मोहब्बत थी, उनके दिल में तो दुनिया की मोहब्बत थी। इसलिए जब सहाबा की कसरत को देखते तो उनके दिल के अंदर खौफ पैदा होता, उनके दिल में डर पैदा होता, वो मरऊब हो जाया करते थे। और दूसरी तरफ जब सहाबा को उनकी कसरत नज़र आती थी, सहाबा कसरत की बुनियाद पर नहीं लड़ते थे, सहाबा कैफियत की बुनियाद पर लड़ते थे, सहाबा कमियत की बुनियाद पर नहीं लड़ते थे, सहाबा ईमान की बुनियाद पर लड़ा करते थे। तो सहाबा के ईमान में और इजाफा हो जाता था, सहाबा का ईमान और बढ़ जाता था। फ़ियातुन तुकातिलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़िरतुन यरौनहुम मिथलैहिम रअयल ऐन, कि वो उनको दोगुना देख रहे थे। वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, और अल्लाह ताला अपनी इमदाद से जिसको चाहते हैं क़ुव्वत दे देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते नाजिल फरमाए, 5000, कितने 5000 फ़रिश्ते नाजिल फरमाए। सहाबा कहते हम ये तलवार उठाते थे कि तलवार ऐसे करते और उस तरफ गर्दन खुद ब खुद गिर जाया करती थी, ये फ़रिश्ते थे। और सारे मजमे का सफाया हुआ, फिर क्या हुआ? 70 मारे गए और 70 कैदी बने सहाबा के हाथ। उस वक्त इसका इतना ज़्यादा शोहरा हुआ कि पूरे अरब के अंदर सहाबा की एक धाक बैठ गई। अरे कौन सी मखलूक है 313 होकर के बड़े बड़े बहादुरों के छक्के इन्होंने छुड़ा दिए। और सहाबा की धाक बैठी और इस्लाम का बोलबाला हुआ। असल में ये जीत इस्लाम की जीत थी और ईमान की फतह थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद शामिल हाल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर गिर करके अल्लाह से दुआ फरमा रहे थे कि ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात है पूरी दुनिया के अंदर जो तेरे ऊपर ईमान लाई है, जो तेरा नाम लेती है, अगर ये आज मिट गई तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि अब कोई नबी आने वाला तो है नहीं, नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह के नबी पर बंद हो चुका और जितने मुसलमान थे वो सब यहाँ मौजूद हैं। अब अगर ये मिट गए तो अब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की लाज रखी और सहाबा के ईमान की कुव्वत के बलबूते और उनकी कुव्वत की बुनियाद पर अल्लाह ने फरिश्तों की पूरी जमात उतारी है। और फिर कुफार की शिकस्त हुई और कुफार की हार हुई और अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमाई। वो अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशा, अल्लाह ताला अपनी इमदाद से जिसको चाहते हैं कुव्वत दे देते हैं। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, बिला शक इसमें बड़ी इबरत है। लइबरतन लिउलिल अबसार, दानिश बीनश वालों के लिए, यानी जिसके पास अक्ल है उसके लिए बड़ी इबरत है, और जिसके अक्ल पर पट्टा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है, उसके लिए जितने भी आप दलायल दे दें और जितनी मिसालें दे दें लेकिन उसके लिए पूरा का पूरा दफ्तर बेकार है। इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दुनिया के अंदर हैं उनकी मोहब्बतें हमारे दिलों के अंदर हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने से माने हैं, रोकने वाली हैं, उनको बयान फरमा रहे हैं। ज़ुग्गिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसा, खुशनुमा मालूम होती है अक्सर लोगों को मोहब्बत मरगूब चीज़ों की। मसलन औरतें हुईं, सबसे पहले नंबर पर अल्लाह ने औरत का तज़किरा फरमाया, क्योंकि औरतें ऐसी चीज़ हैं कि जो इंसान को शरीयत से गाफिल कर देती हैं। अब आप देखें आज के दौर में जो सबसे बड़ा फितना है वो औरत का फितना है। इसी वजह से यहूदियों ने औरत को हर जगह नुमाइश के तौर पर, उसको एडवर्टाइज़ के तौर पर उसकी नुमाइश की है। आप एक शैम्पू भी ख़रीदेंगे सनसिल्क का तो उस पर औरत होगी और उसका सुनहरा बाल आपको नज़र आएगा। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाएं वहाँ पर औरतों का फ़ोटो नज़र आएगा। हर जगह औरत को जितना बरहना किया जाए, औरत की जितनी उरियानियत की जाए, उतना ही माल की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। आप ज़रा अंदाज़ा करें आज जो मसला छिड़ा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जो हिजाब का मसला है, जो पर्दे का मसला है, ये पर्दे का मसला तो गैरत से मुतालिक है। जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा गैरत होगी वो इतना ही ज़्यादा हिजाब करेगा। मैं तो कहना चाहता हूँ जो लोग हिजाब के ख़िलाफ़ हैं वो नंगे होकर के घूमें तो मैं जानूँ। जो एंकर चीख रहे हैं और उनका गला नहीं सूखता, चीखते चीख दे गला भी सूख जाता है तो पानी नहीं पीते हैं, तो मैं कहता हूं आप अपनी पतलून उतार करके ज़रा एंकरी करें, बगैर हिजाब होगा। ये भी तो हिजाब है, क्यों आपने हिजाब कर रखा है? शर्म नहीं आती हिजाब के ख़िलाफ़ बोलते हुए? हिजाब करके पतलून उतार करके हिजाब करो, अंडरवियर पहन करके, और अंडरवियर भी तो हिजाब है उसको भी उतारो और नंगा कर दो पूरी दुनिया को। अफसोस की बात है, शर्म की बात है, शर्म में डूब मरने का मकाम है कि अगर एक तरफ वो फेमिनिस्ट ख्वातीन हैं कि जो इसका नारा लगाती हैं कि अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, मेरी मर्ज़ी और मेरी ज़िंदगी का नारा लगाती हैं कि हम जैसे चाहें रहें, जितना चाहें अपने बदन की नुमाइश करें और जितना चाहें ढाकें, तुम कौन होते हो हमारे ऊपर एतराज़ करने वाले। मेरा ये कहना है कि अगर कोई ऐसी बच्ची है जो अपने हिजाब के साथ रहना चाहती है तो क्या ये उसकी ज़िंदगी और उसकी लाइफ नहीं है, उसकी मर्ज़ी और उसकी ज़िंदगी नहीं है? नंगा करने में तुमको अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़िंदगी नज़र आती है और हिजाब करने में आज़ादी ख़त्म हो जाती है? अगर फ्रीडम के सही माना जानना चाहते हो तो फ्रीडम का सही मतलब समझो और लोगों को बतलाओ कि फ्रीडम जैसे इसके अंदर है कि जैसे जो चाहे पहने और जितना चाहे खोले, तो फ्रीडम इसके अंदर क्यों नहीं है कि जो जितना चाहे ढाके? और जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो ये कहते हैं कि औरतों को कैद करके रखा गया है, औरतों को बरहना करना चाहते हैं, औरतों के हिजाब को उतरवाना चाहते हैं, वो सारे के सारे औरतों के दुश्मन हैं, जो औरतों के बदन तक और उनके जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। यही हकीकत है इसकी। औरतों के हिजाब को उतरवा करके, उनकी जेब व जीनत करवा करके, अब तो मार्केटों के अंदर, ऑफिसों के अंदर और खुसूसी जगहों पर
ऐसी औरतें रखी जाती हैं कि जो औरतें सिर्फ एक एक मीटिंग में बैठने का कई कई लाख रुपया लेती हैं, उनके मेकअप कई कई हज़ार रुपए के होते हैं सिर्फ शो पीस के लिए, जो कस्टमर आते हैं उनके अट्रैक्शन के लिए उनको रखा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओ आज़ादी का नारा लगाने वालों, ओ हिजाब के ऊपर एतराज़ करने वालों, ओ फ्रीडम का नारा लगाने वालों, क्या तुम्हारे नज़दीक औरत की यही कदर है कि अगर वो औरत उसको नंगा किया जाए, उसको बरसरे आम फरोख्त किया जाए, उसकी तस्वीर को सामानों के ऊपर छापा जाए और प्रोडक्ट के ऊपर उसको डाला जाए, तब तो तुम्हारे नज़दीक आज़ादी है। वही औरत पर्दे में रह करके अपने भाई की खिदमत करे, अपने शौहर की खिदमत करे, अपने घर के बच्चों की सही परवरिश करे, तरबियत करे, तो वो तुम्हारे नज़दीक दकियानूसी है, तुम्हारे नज़दीक ये आज़ादी नहीं है, ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला हिपोक्रेसी है और मुनाफ़क़त है। तुम दर हकीकत औरतों के जिस्म तक पहुँचना चाहते हो, इसके अलावा और तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं है। और जितने भी हिजाब के ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप ऊपर से नीचे तक बरहना हो, नंगे हो जाएं, फिर जा करके हिजाब के ऊपर आप बोलें। और अगर आप पहन करके बोल रहे हैं तो आपकी बात कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि आप खुद हिजाब किए हुए हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले औरत का ज़िक्र फरमाया है। दुनिया की जो शहवात हैं, जो इंसानों को अल्लाह से गाफिल कर देती हैं, दीन से गाफिल करने वाली हैं, उनमें से सबसे पहली चीज़ क्या है? औरत। क्या है? औरत। अब आप देख लें, जिन बच्चों का निकाह नहीं हुआ है, निकाह को ईमान की तकमील फरमाया गया है, निकाह ईमान की तकमील का ज़रिया है, लेकिन निकाह ना हो तो फिर क्या होता है, किसके चक्कर में पड़ते हैं? अरे वैलेंटाइन डे क्या है? कुछ नहीं है, सब औरत का चक्कर है, और क्या है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या है? औरत का चक्कर है, और क्या है? और कुछ नहीं है। आप जितना डे है सबको निकाल लीजिए, औरत को वहां से हटा दीजिए, सारा डे खत्म हो जाएगा। हटा दीजिए औरत को, कोई वैलेंटाइन डे मनाएगा औरत को हटा दीजिए तो सारा डे क्यों बनाया गया है? औरत के जिस्म तक पहुंचने के लिए। वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, सारा डे क्यों बनाया गया है? हाँ, और जब औरत को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। तो इस्लाम क्या करता है? जो बुनियादी मरकज़ होता है ज़हर का, वहाँ पर कदगन लगाता है और उसे बंद कर देता है। मान लीजिए डैम टूट गया है, डैम, और वहाँ से दरिया का पूरा पानी शहर की तरफ आ रहा है। अब आप जाएं जाकर के कोतवाली के ऊपर खूब बड़ा सा जो है वहाँ पर दीवार खड़ी कर दें कि सब्जी मंडी इधर पानी ना आए, तो इधर नहीं आएगा तो उधर से घूम के नहीं चला जाएगा? अब कोई साहब उधर से जाएं अटाली मस्जिद की तरफ से दौड़ के किले की तरफ जाएं और वहाँ पर मैंने लगा दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, अरे अल्लाह के बंदे, तो उधर से घूम के नहीं आ जाएगा? मानिक चौरा वहाँ से चौक की तरफ से, उधर से घूम के नहीं आ जाएगा सिपाहों की तरफ से? दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं। मान ली एक शहर में आने के 8 दरवाजे हैं, ठीक है, और उसके पहले क्या है? एक डैम है, वहाँ से टूट गया है। हम एक दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, वो दूसरे रास्ते से आ रहा है, दूसरा बंद कर रहे हैं, तीसरे रास्ते से आ रहा है। इस्लाम कहता है दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, डैम जा कर के बंद करो। डैम को बंद कर दिया, सारा पानी सैलाब से सबकी हिफाजत हो गई है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा कि हिजाब करो, अब जब नज़र ही नहीं आएगा, निगाह इबलीस के तीरों में से पहली तीर है, अब जब दिखाई नहीं दे रहा है तो इंसान आगे क्या करेगा? सबसे पहले तो इंसान को नज़र आता है। आप कोई सामान ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में, या कोई ज़मीन आपको ख़रीदना हुआ, कोई इंसान कहे बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत सस्ती में हम दिला, अरे भैया दिखा तो दो पहले, नहीं नहीं देखिए मत उसको, बस बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत सस्ती ज़मीन है, आप ले लेंगे बगैर देखे? पहले आप देखते हैं, देखने के बाद मूड बनाते हैं। तो जैसे इंसान सामानों को ख़रीदता है, तो आज दुनिया ने औरत को एक सामान की कैटेगरी में ला करके रख दिया, इसको देखो और फिर देखने के बाद मूड बनाओ, ये दुनिया कह रही है। और इस्लाम क्या कहता है? देखो ही मत, हिजाब, जब देखोगे नहीं तो मूड कहाँ से बनेगा? बात समझ में आ रही है? ज़िना के तमाम रास्तों पर अल्लाह ने पहरे बैठा दिए हैं,
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، زنا کرو مت، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ یہ کہہ سکتے تھے وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے آس پاس قریب بھی مت پھٹکو، جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بھی بچو کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کا قانون، یہ ہے اللہ کا دستور، اسی پر عمل کرنے میں پوری دنیا کی نجات ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، آج بھی اللہ اور قرآن تمہیں اپنا پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے، آج بھی امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، اپنے بیٹیوں کی، اپنے بہوؤں کی، اپنی عورتوں کی حفاظت چاہتے ہو، ان کی سیفٹی چاہتے ہو، ریپ ہونے سے ملک کو بچانا چاہتے ہو، ہندوستان کو امن اور امان کا ماحول بنانا چاہتے ہو، تو قرآن کریم کے قوانین کو اپنا لو، اللہ رب العزت تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ زگین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا فرمایا؟ عورتیں ہیں، یا عورتیں انسان کو اپنا گرویدہ بناتی ہیں، اور گرویدہ بنا کر کے انسان دنیا و مافیہ سے غافل ہو جاتا ہے، سب سے پہلا نمبر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والبنین، عورت ہوئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ شادی ہوئی، بچہ، شادی کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ بچے کا۔ تو اب بچے کی محبت، انسان کیا کرتا ہے؟ بچوں کے لیے کماتا ہے، کس کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ تو اب بچوں کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو کہا گیا بھائی یہ کام کر رہے ہیں، بچوا نہیں مانتا، بچوا نہ مانتا، یعنی بچہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں ہم شراب جا کر کے باہر پیتے ہیں، تو آپ شراب لا کر کے گھر کے اندر رکھ دیں گے، کیونکہ وہ باہر جا کر کے پیتا ہے، کیونکہ بچہ نہیں مانتا ہے، تو شراب لا کر کے ہم گھر کے اندر رکھ دیں گے، ایسے کریں گے نا، یعنی بچہ نہ مانے تو شریعت کے خلاف ہم کام کرنے لگے۔ ہم کو بچے کو منانا ہے، ہم کو بچوں کو سمجھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ بچہ عبد القادر جیلانی بنے، وہ بچہ خواجہ معین الدین چشتی بنے، وہ بچہ خواجہ بایزید بستامی بنے، ان کی تربیت ایسی بچپن سے کرنی ہے۔ تو دوسرا نمبر اللہ نے فرمایا والبنین، اور بچے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والقناطیر المقنطرہ، تیسرا نمبر جو انسان کو بہت زیادہ جس سے محبت ہے وہ خزانے ہیں۔ کس کے خزانے؟ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی، سونا اور چاندی، انسان کو ڈھیروں ڈھیر ملے، ایک جنگل سونے کا مل جائے پھر وہ کہے گا دوسرا مل جائے، دوسرا مل جائے پھر وہ کہے گا تیسرا مل جائے، تیسرا مل جائے پھر وہ کہے گا چوتھا مل جائے، کبھی بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، خیل کے معنی گھوڑے، گھوڑے کے آتے ہیں، اور گھوڑا اس لیے شمار کرایا کہ گھوڑا اہل عرب کے نزدیک بہت زبردست مالیت کی چیز تھی، جس کے پاس گھوڑا ہوا کر، جیسے آج کے زمانے میں کار ہوا کرتی ہے، ویسے اس زمانے میں جس کے پاس جتنا گھوڑا ہوا کرتا تھا وہ اتنا ہی بلند مرتبے والا ہوا کرتا تھا۔ ارے فلاں صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس 50 گھوڑے بیٹھے ہوئے، ارے وہ سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 1000 گھوڑا، ارے 1000 گھوڑا، ارے یہ فلاں صاحب کے پاس 1000، مطلب 1000 کار کا مالک ہے وہ۔ تو آج ہم نے گھوڑوں کو بھلا دیا، اب کیا ہے؟ کار، بائک۔ تو پہلے کار بائک نہیں تھی، پہلے گھوڑے تھے، اور گھوڑے کون؟ گھوڑے تو ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور ایک گھوڑے وہ جو جنگجو گھوڑے ہوتے ہیں، جو جنگوں کے اندر جاتے ہیں، جو دشمنوں سے لڑتے ہیں، دشمنوں کو دیکھ کر کے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ جنگ کے میدان میں کود جاتے ہیں، وہ خاص قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں، بہت مہنگے ہوا کرتے ہیں، ان پر خاص قسم کی علامتیں لگائی جاتی تھیں، نشان لگایا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں والخیل المسومہ، اور وہ گھوڑے جو نشان لگائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے، وہ گھوڑے انسان کو بہت محبوب ہیں۔ والانعام والحرث، پھر اس کے بعد انسان کے مویشی ہوئے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، یہ ساری چیزیں جو انسانوں کے ساز و سامان ہیں۔ والحرث، اور زراعت، کھیت۔
जो लोग खेती करते हैं तो उनका खेत उनके नज़दीक अज़ीज़ है। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये सब इस्तेमाली चीज़ें हैं दुनियावी ज़िंदगानी की। अब यहाँ पर देखें, एक सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं, इनकी महब्बत फितरी तौर पर इंसान के दिल के अंदर है, माल की महब्बत, औरत की महब्बत, बच्चों की महब्बत, सोने चांदी की महब्बत, मवेशी की महब्बत, इन सारी चीज़ों की महब्बत फितरी तौर पर है, अल्लाह ने रखी है। फितरी तौर पर का मतलब समझ रहे हैं, पैदाइशी तौर पर फितरी तौर पर इनकी महब्बत है। अब ये बताएं कि जब फितरी तौर पर इनकी महब्बत अल्लाह ताला ने रखी है तो फिर अल्लाह ताला मना क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ही ताला ने फितरी तौर पर इनकी महब्बत रखी है, फिर अल्लाह ही ताला कह रहे हैं कि भाई इनसे बचो। ये तो मामला उल्टा लग रहा है। क्या मामला उल्टा नहीं है? जब अकल सीधी होगी तो मामला उल्टा नहीं लगेगा। जब अकल को सीधा कर लोगे तो मामला उल्टा नहीं लगेगा, और जब अकल टेढ़ी हो जाएगी तो हर चीज़ तुमको टेढ़ी नज़र आएगी। इस मौके पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़ारसी का शेर कहा है, आप अंदर कश्ती हलाके कश्ती अस्त। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती की हलाकत और बर्बादी का सबब होता है। आप अंदर कश्ती हलाके कश्ती अस्त। अगर आप पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो कश्ती की हलाकत का ज़रिया होता है। आप जेरे कश्ती पश्ती अस्त। अगर पानी कश्ती के नीचे रहे तो वो कश्ती को चलाने का ज़रिया होता है। बात समझ में आ रही है? अगर पानी कश्ती के अंदर चला जाए तो कश्ती को डुबो देगा, लेकिन वही पानी अगर रहेगा कश्ती के नीचे तभी कश्ती चलेगी। यही हाल इन चीज़ों का है कि महब्बत तो इनकी अल्लाह ने फितरी रखी है, लेकिन ये महब्बत दिल के अंदर ना समोए, दिल के इर्द गिर्द रहे। लेकिन दिल के अंदर किसकी मोहब्बत हो? अल्लाह और उसके रसूल। इन चीज़ों की मोहब्बत दिल के इर्द गिर्द हो, क्योंकि इन चीज़ों की मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ना हो, उलमा ने बड़ी हिकमतें इसमें बयान फरमाई हैं कि अल्लाह ने जो मोहब्बत रखी है इन चीज़ों की, उसमें सबसे पहली हिकमत तो ये है कि अगर अल्लाह इन चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिलों में न डालता तो ये दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, दुनिया आगे न चलती। कैसे आगे न चलती? इसलिए आगे न चलती कि हर इंसान जो दुनिया के अंदर आया है, आप देखें, अल्लाह ने उसके अंदर जो मोहब्बत रखी है उसी मोहब्बत का नतीजा है कि सुबह होते ही एक मज़दूर है वो काम के लिए निकलता है, काम के लिए, कि मुझे कोई काम मिल जाएगा तो कुछ मुझे पैसे मिलेंगे और उस पैसे से मैं अपनी बीवी का अपने बच्चे का खर्च चलाऊंगा। एक तरफ तो ये पैसा हासिल करने के लिए निकल रहा है, चूँकि पैसों की इसकी मोहब्बत है फितरी तौर पर, और दूसरी तरफ एक सेठ है, उसको अपने घर में काम करवाना है, उसको छत बनवाना है, उसको सीढ़ी बनवाना है, वो मज़दूर की तलाश में पैसा लेकर के निकल रहा है कि कोई मज़दूर मिल जाए तो मैं पैसा खर्च करके अपने घर को सही करवा लूँ। एक तरफ सुबह होते ही एक बिजनेसमैन है, ताजिर है, तिजारत करने वाला है, वो निकलता है, वो किस लिए? कस्टमर की तलाश में, कि मेरे पास कस्टमर आएंगे तो मैं फला सामान दिखाऊंगा, ये सामान दिखाऊंगा और सामान को फरोख्त करूंगा। तो दूसरी तरफ कस्टमर पैसे लेकर के निकलता है कि पैसा खर्च करके ज़रूरियात ज़िंदगी को अपने घर में लाऊं और अपने घर की ज़रूरियात को मैं पूरा कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह सिस्टम जो मोहब्बत का बांध रखा है, ये मोहब्बत मजबूर करती है कि ये सारा आलम और सारा निज़ाम एक दूसरे से मरबूत है और अल्लाह ताला इसको इसी तरह चला रहे हैं। अगर ये मोहब्बत ख़त्म हो जाए, आपके दिल में बीवी की मोहब्बत ना रहे, पैसे की मोहब्बत ना रहे, कपड़ों की मोहब्बत ना रहे, आपके दिल में खेती की मोहब्बत ना रहे, क्यों इंसान जाएगा? कोई ज़रूरत ही नहीं है।
आप सब लोग बैठे रहिए, फिर ना तो आपको कपड़ा मिलेगा, ना तो आपको कोई मजदूर काम करने के लिए मिलेगा, ना तो आपको कोई हल जोतने वाला मिलेगा, ना कोई आपके घर में सफाई करने वाला मिलेगा, इसलिए कि किसी के दिल में कोई ही मोहब्बत नहीं है, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो सबसे बड़ी हिकमत इसकी यह है, अल्लाह ने जो मोहब्बत दिलों के अंदर फितरी तौर पर डाली है, इससे आलम के निज़ाम को जोड़ा है, और ये आलम का निज़ाम अल्लाह ताला इसकी बदौलत चला रहे हैं। अगर ये मोहब्बत ख़त्म हो जाए तो आलम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, ये एक हिकमत है। दूसरी हिकमत उलमा ने ये लिखी है कि जब इंसान के दुनिया के अंदर तरह तरह की चीज़ें अल्लाह ने अता फ़रमाईं और उनकी नेमतें अता फ़रमाईं, तो इससे आखिरत की नेमतों का अंदाज़ा होता है। अब जैसे औरत ही है, अल्लाह ने एक मिसाल पेश की है, अब अल्लाह ने हूर की मिसाल बयान फरमाई है, तो अब अगरचे ये औरत हूर का अदना भी नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए से वो आखिरत की नेमतों को समझ सकता है, कुछ ना कुछ तो समझ सकता है। यहाँ अल्लाह ने सेब बनाए हैं, यहाँ अल्लाह ने अंगूर बनाए हैं, यहाँ अल्लाह ने खजूरें बनाई हैं, यहाँ अल्लाह ने तरह तरह के साजो सामान बनाए, फिर अल्लाह ने मिसालें दी हैं कि जन्नत के अंदर ऐसे अंगूर होंगे, जन्नत के अंदर रुमान मीठे अनार होंगे, तो इंसान इन चीज़ों के जायके से आखिरत की नेमतों की कदर को समझता है। अगर ये चीज़ें और इनकी मोहब्बत दिल में ना होती तो इंसान आखिरत की नेमतों को भी ना समझ पाता। और तीसरी हिकमत ये उलमा ने बयान फरमाई है कि अल्लाह ने ये जो मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर डाली है, ये इसलिए है ताकि हमारा इम्तिहान ले सके, ताकि हमारा इम्तिहान ले सके। अगर मान लीजिए हमारे दिल में औरत की मोहब्बत ना होती और फिर भी हम औरत से बचते, तो इम्तिहान क्या होता, क्योंकि आपके दिल में तो मोहब्बत। अब बताइए फरिश्तों में और इंसान में इम्तियाज़ क्या है? फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने ख्वाहिशात नफसानी नहीं रखी है, ये जो नफ्स हमारे अंदर अल्लाह ने रखा है, ये शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा है, हर वक्त हमारे साथ लगा। शैतान को भी उसके नफ्स ने बहकाया था, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने से, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, निहंगो अजदहाओ निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा। निहंग के माना सांप के आते हैं, अजदहा और शेर नर, नर शेर को अगर तूने मार दिया, शायर कहता है कि कोई बड़ा कमाल तूने नहीं किया, निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। ये जिहाद अकबर है नफ्स को कुचलना। आज इंसान बड़ी बड़ी जिहाद तो कर लेता है, लेकिन नफ्स के आगे इंसान कुचल जाता है, उसका नफ्स उसे कुचल देता है। शैतान को भी इस नफ्स ने बहका दिया था, समझ में आ रहा है? तो ये जो नफ्स है इसको कुचलना है, और कैसे कुचलेंगे, कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मकाम अता फरमाएंगे, फरिश्तों से हमारा इम्तियाज़ कैसे हुआ, फरिश्तों में अल्लाह ने नफ्स नहीं रखा है, उनके अंदर शहवत ही नहीं, ख्वाहिश ही नहीं, औरत की तरफ देखने का दिल ही नहीं करेगा, नफ्स ही नहीं है। हमारे अंदर अल्लाह ने नफ्स रखा है, औरत की तरफ अट्रैक्शन भी रखा है, और फिर अल्लाह ने मना किया कि ना देख, अब इस पर अजर है। जैसे कोई बंदा घर बैठा हो, उसको ना इम्तिहान देना हो, ना उसको किताब पढ़ना हो, भैया बैठे रहो 100 नंबर, आपको भी मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा आएगा, और किस चीज़ का नंबर मिल रहा है भाई ये तो बताओ। अब बच्चा किताब पढ़ता है, साल भर मेहनत करता है, अब एग्ज़ाम में बैठता है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, साइंस के हैं, सोशल स्टडी के हैं, और वो मेहनत करता है, और फिर टीचर देखता है, वाह क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल राइटिंग, वंडरफुल सोल्यूशन, वंडरफुल आंसर, और फिर उसके बाद उसको नंबर देता है। अब ये बताएं वो नंबर का मुस्तहिक? जब इंसान के अंदर नफ्स है, इंसान के अंदर अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, फिर अल्लाह ताला का इम्तिहान होता है। तो ये जो इम्तिहान है, इम्तिहान के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या हो, इन चीज़ों की मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत ही नहीं है तो इम्तिहान कैसा, बात समझ में आ रही? और भी उलमा ने और मुफस्सिरीन किराम ने बहुत सी हिकमतें लिखी हैं, लेकिन
हम जैसे तालिब इल्मों के लिए इतनी हिकमतें काफ़ी हैं। तो ये जो अल्लाह ने बयान फरमाई ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मोहब्बतें हमारे दिल के अंदर हैं, लेकिन इनको अपने दिलों से बाहर निकालना है। दिल के इर्द गिर्द तो रहे लेकिन दिल के अंदर इनको जगह नहीं देना है। जिस इंसान ने दिल के अंदर जगह नहीं दिया है वो कामयाब है। और अगर दिल के अंदर वो आ गई मोहब्बत तो जैसे वो कश्ती की जिसमें पानी आ जाए वो कश्ती को डुबो करके रख देता है, ऐसे ही इनकी मोहब्बत अगर दिल में आ जाए तो इंसान को डुबो करके रख देती है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह फरमाते हैं अंजाम कार की खूबी तो अल्लाह ही के पास है। अल्लाह हम सबको इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाह।